ओके, सेमीकंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज, इसका मतलब है क्या? सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या है? हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करके जो भी चीज़ है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। फेंकते समय अगर बीच में कुछ मैं एक मेश या स्क्रीन रख दूंगा तो क्या होगा, वो स्क्रीन के साइज़ जो है उससे जो भी बड़े पार्टिकल्स है वो अंदर रह जाएंगे, उससे जो स्क्रीन के छोटे पार्टिकल्स है वो बाहर चले जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ दिखाया है, ये आर एम आर्स देख रहे हो, या जो आर एम आर्स है यहाँ पर, ये वाले जो आर एम आर से क्या दिखा रहे हैं, ये घूम रहा है, वहाँ पर स्क्रीन है, वो स्क्रीन से जो भी छोटे हैं वो बाहर जा रहे हैं, जो भी बड़े हैं वो अंदर रह जा रहे हैं। तो हमें सॉलिड को लिक्विड से यहाँ पर सेपरेट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ये वाला सेटअप क्या है, देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप तुम सोचो कि एक वॉशिंग मशीन लो जो फ्रंट लोडर है। फ्रंट लोडर का मतलब कैसे होता है, सामने आगे से हम लोड करते हैं, जब तुम आगे से लोड करोगे ना तो हॉरिजॉन्टली घूमता है वो, तो जब तुम ऊपर से लोड करोगे तो वर्टिकली घूमता है। तुम जाके टॉप लोडर और फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन देख लो, तुम्हें समझ में आएगा क्या है क्या। तो ये जो सेमी क्या बोलते हैं वो सेमी कंटिन्यूस वाला है, ये वाला है तुम्हारा फ्रंट लोडर के जैसे कि यहाँ से तुम डालोगे, जो भी स्टर है यहाँ से फीड दोगे, यहीं से कपड़े डालोगे तुम, तो ये ऐसे घूमेगा ऊपर नीचे, ओके, वर्टिकली घूमेगा। तो वहाँ पर स्क्रीन यहाँ से जाएगा। सोचो कि यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ सोचो ये वॉशिंग मशीन है यार, ये बस फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन है, ओके। जब तुम इसमें सोचो कि तुम्हारा जो स्लरी है या कुछ भी है, सोचो कि वो कपड़े हैं, ओके, भीगे हुए कपड़े, तो मुझे कपड़ों को है ना सुखाना है अभी, तो उससे मुझे क्या करना होगा, उसमें से पानी जो भी है बाहर निकालना है और कपड़े जो भी अंदर रहना है। तो ऐसे ही तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल क्या बोलते हैं सस्पेंशन है या कुछ भी है, उसमें क्या होना है, तुम्हें सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अंदर रखना है और जो भी तुम्हारा लिक्विड है कंटिन्यूस मीडियम उसको बाहर ठेलना है। तो उसको तुम क्या करोगे, यहाँ कंटिन्यूस का मतलब क्या है, तुम कंटिन्यूसली स्लरी देते रहोगे, ओके, एंड कंटिन्यूसली तुम्हारा स्लरी क्या बोलता है वो फिल्ट्रेशन होता रहेगा। तो यहाँ पर सोचो कि सेमी कंटिन्यूस का मतलब वॉशिंग मशीन में क्या करोगे, उसका एक कैपेसिटी है, सोचो कि उसकी 6 kg या 7 kg की कैपेसिटी रहेगी, उतने कपड़े डालोगे, एक बार ड्राई करने के बाद वो उन कपड़ों को निकालोगे, फिर दूसरे कपड़े डालोगे, ये पर यहाँ पर यही है। सेमी कंटिन्यूस में तुम क्या करोगे, थोड़ा स्लरी डालोगे, उसको एक बार ड्राई होने के बाद सेंट्रीफ्यूज के बाद तुम क्या करोगे, उसको स्क्रैप कर लोगे, जो भी स्लरी ड्राई हुआ है, ओके, जो भी ड्राई पार्टिकल है उसको तुम स्क्रैप करोगे। स्क्रैप करने के बाद क्या करोगे, तुम जानबूझ के है ना स्क्रैप करते समय वो जो भी पार्टिकल्स हैं जो भी ड्राई हुए हैं सेंट्रीफ्यूज की वजह से, उसमें एक थोड़ा सा लेयर जानबूझ के छोड़ दोगे तुम, क्योंकि वो लेयर भी मेश के जैसे ऐड करे और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज हो तुम्हारे लिए, ओके। जो भी लेयर थिकनेस सोचे तो भाई थिकनेस लेयर का आया 5 cm, उसमें 1 cm तुम जानबूझ के छोड़ोगे, क्योंकि वो 1 cm अलॉन्ग विद द मेश विल एक्ट एज ए फिल्ट्रेशन एड, तो फिल्ट्रेशन को वो और हेल्प करेगा। बस सिंपल सी चीज़ें है। सेमी कंटिन्यूस का मतलब यही है कि यहाँ पर तुम बैच बाय बैच डालोगे, इसलिए उसका नाम ऑटोमेटिक बैच भी है, शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच, ओके। जो कपड़े क्या करोगे, जब सुखाते हो तो एक इतने केजी कपड़े डालोगे, जो भी कैपेसिटी है उस वॉशिंग मशीन का, सूखने के बाद निकालोगे, फिर दूसरे कपड़े डालोगे। बस यहाँ सोचो कि थोड़े कपड़े तुम जानबूझ के छोड़ दिए हो, क्योंकि वो कपड़े भी जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं वो नेक्स्ट कपड़े आ रहे हैं उसमें से पानी का और अच्छी से निकालने से हेल्प करेंगे, वो मेश फॉर्म करेंगे, उन कपड़ों के मेश से भी पानी बाहर जाना होगा। बस यही है। कंटिन्यूस में क्या होगा, यहाँ देखो तुम जो क्या कंटिन्यूस में क्या होगा, ये देखो अगर तुम हॉरिजॉन्टल रख के घुमाएगा ना कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये वर्टिकल वाला है, ये वाला वर्टिकल है, यहाँ पर है देखो कि स्क्रू कॉर्नर इज अलाइड टू रोटेट, ओके, ये भी वर्टिकल नहीं, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, यहाँ पर लिखा है देखो हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज।
यहाँ पर क्या करोगे, सोचो कि वही फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन में तुम एक कन्वेयर रख दिए। पहले क्या हो रहा था, वो फ्रंट लोडर में तुम सिर्फ कपड़े डाल रहे थे, कपड़े सूखते, थोड़े कपड़े निकालते, फिर कपड़े डाले, ओके, स्टॉप कर रहे हो मशीन को, फिर कपड़े डाल रहे हो। यहाँ पर क्या हो गया, तुमने एक ये देखो कन्वेयर रख दिया। अब फ्रंट लोडर मतलब यहाँ आगे से डाल रहे हो, ये वाला जो ये है ना, ये आगे कपड़े का, ये आगे से यहाँ डाल रहे हो, सॉरी ये वाला है, यहाँ से तुम ये वाला इनलेट, यहाँ से तुम आगे से डाल रहे हो, तो कंटिन्यूसली ये क्या करता रहे, घूमता रहेगा स्क्रू, इसकी वजह से कंटिन्यूसली वो स्क्रैप करता ही रहेगा। जो भी सेडिमेंट है तुम्हारा, मतलब जो भी सेंट्रीफ्यूज हुआ है, उसको कंटिन्यूसली स्क्रैप करता रहेगा और वो बाहर बाहर जाता रहेगा।